rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. इनको चाहिए था स्ट्रेटनिंग लुक और उसके साथ में उनको प्रोटीन भी चाहिए था, तो जिसकी वजह से मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप केरा स्मूथ करो, जो टेक्सचर है वो स्ट्रेट भी रहेगा और साथ साथ उसको प्रोटीन भी। तो आज मैं जो प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ तो स्ट्रेटनिंग के लिए, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के लिए मैं मैट्रिक्स का यूज कर रही हूँ और मैट्रिक्स का न्यूट्रलाइजर एंड कैरेटीन मैं यूज करने जा रही हूँ स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम। पूरे हेयर में क्रीम लगा दी है और अब मैं चेक करने वाली हूँ कि अभी मेरे हेयर के बॉन्ड सॉफ्ट हुए कि नहीं, और वो कैसे चेक करना है मैं अभी बता रही हूँ। तो आपको कैसे नहीं चेक करना है, कर भी सकते हो बट ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा वो मैं बताने वाली हूँ। तो हम ऐसे ही एक रैंडम एक हेयर को लेते हैं और इस तरह से थोड़ा सा हाथ में फंसाया और ये टूट रहा है, और अगर हम बार बार ये करेंगे कि ऐसे ही टूटेगा तो इसका मतलब अभी नहीं हुआ है। बट ये हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा भी क्लाइंट सोचेगा ये मेरे बालों को क्यों तोड़ रही है बार बार एक एक सारे हेयर में, सारे सेक्शन में जाकर मैं एक एक बाल लूंगी और बार बार मैं चेक करूंगी और तोड़ूंगी तो हमारे क्लाइंट्स को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा रास्ता जो कभी फेल होता ही नहीं है। इसे मैंने अपने हेयर को भी अगर नॉट बांधे और ये मैंने खींचा है तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई क्रीम अप्लाई नहीं हुआ है। हेयर के बॉन्ड्स को सॉफ्ट करने के लिए हमने क्रीम अप्लाई की है और अप्लाई होने के बाद वो काम हुआ है कि नहीं हुआ इसी से मालूम पड़ेगा। जब आप नॉट बांधेंगे, नॉट बांध और उसे यूं अच्छे से खींच लिया और ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। अगर इसका काम हो गया तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा और ये इसका मतलब है इसके बॉन्ड सॉफ्ट हो गए, ये अच्छे से पकड़ के रख रहा है। और जब हम आयनिंग करेंगे तो ये अच्छे से इसका टेक्सचर चेंज होकर स्ट्रेट हो जाएगा, तो हमारी स्ट्रेटनिंग स्मूथिंग जो आप बोलो वो पूरी हो जाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ, तो अब ऐसे ही मैंने सारे हेयर को चेक कर लिया है और जिधर जिधर मैंने चेक कर लिया वहां पे मैंने क्या कर दिया है, पानी मार दिया, जैसे कि मैं अभी इस सेक्शन को कर रही हूँ। सो अब मैं जाने वाली हेयर वॉश के लिए, तो अब हेयर वॉश के बाद हम करेंगे स्ट्रेटनिंग। क्लाइंट के हेयर स्ट्रेट कर दिए यानी कि आयनिंग हो चुकी है। अब नंबर है सेकंड नंबर क्रीम का जो कि अभी हम अप्लाई करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। तो अभी देख रहे हो मेरे क्लाइंट के हेयर कितने शॉर्ट थे और अभी कितने लंबे दिख रहे हैं आफ्टर आयनिंग, और मैम को भी लग रहा है कि मेरे पास इतने हेयर थे भी कि नहीं थे सीरियसली अब आप अच्छे लग रहे हो ना? Yes, thank you. Seriously अच्छा लग रहा है। तो अब मैं लेने जा रही हूँ सेकंड क्रीम न्यूट्रलाइजर मैट्रिक्स का। न्यूट्रलाइजर पूरे हेयर में लगाने के बाद 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है, देन उसके बाद वॉश करना है। मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद हम देखेंगे फाइनल रिजल्ट। तो ये रहा, हमने फाइनल वॉश कर दिया है और अब हम इसे करेंगे ड्राई। इससे पहले मैं थोड़ा टैंगल फ्री कर लूं। स्मूथनिंग का रिजल्ट ये देखिए कितना प्यारा आया है और अभी कितना स्ट्रेट दिख रहा है। आपने जब पहले बिफोर में देखा तो आपको पता होगा इनके हेयर बहुत ज़्यादा बाउंसी और बहुत ज़्यादा कर्ली थे, और अभी स्मूथनिंग के बाद में इतना अच्छा टेक्सचर यानी फुल स्ट्रेट और शाइनी लुक आया है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब मैंने इसको न्यूट्रलाइजर के बाद में वॉश किया था उसके बाद भी इसमें थोड़े बहुत बाउंस रह गए थे,
क्योंकि आगे के फ्रंट के बहुत ज्यादा वेवी हेयर्स थे और उसको कवर करने के लिए मैंने अभी न्यूट्रलाइजर के बाद जो वॉश किया था तो एक बार थिक थिक सेक्शन में आइनिंग की है जिसके वजह से प्रॉपर स्ट्रेट हो गया है। तो कैरेटिन हम करेंगे कल क्योंकि आज मैम के पास टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बच्चे की तबीयत खराब है। तो अब हम देने जा रहे हैं थोड़े से बालों को प्रोटीन यानी कि कैरेटिन। कैरेटिन का जब मैं वीडियो बना रही थी यानी कि एप्लीकेशन कर रही थी तो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैं अभी ऐसे ही बता रही हूँ कि आराम से फाइन फाइन सेक्शन में अप्लाई करना है एंड 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है क्लीनिंग रैप लगाकर। उसके बाद हम करेंगे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने के बाद मैं करने वाली हूँ आइनिंग हमारे कैरेटिन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि अभी से देखिए कितना स्ट्रेट हो गया है और अब हम करने वाले हैं आइनिंग और हम इसे करेंगे थोड़े ओपन प्लेस में ताकि ज्यादा सफोकेशन ना हो, क्योंकि कैरेटिन में होता है फॉर्मल्डिहाइड जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मोक आएगा तो जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकते हैं और वो एक केमिकल है तो हमें हार्मफुल बहुत हार्म करता है। तो जिसकी वजह से हम थोड़ा ओपन प्लेस में करेंगे और हमारी क्लाइंट को बोलेंगे आप मास्क लगा लीजिए और इससे आई बर्निंग भी होती है। कैसा लगा मैम? एक नंबर। थैंक यू।